First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं फिरोज हाशमी आप देख रहे प्रहार टाइम मुमरा के मित्तल ग्राउंड के समीप एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है हत्या का मामला सामने आने से पूरे मुमरा शहर में सनसनी फैल गई है जिसकी हत्या हुई है वो कौन है कहां का रहने वाला है फिलहाल इसकी सुराग नहीं मिल पाई है पुलिस को पुलिस शव की पहचान कर रही है दरअसल मित्तल ग्राउंड काफी बड़ा एक मैदान है उसी से लगकर एक बड़ा नाला खाड़ी की तरफ जाता है और इसी नाले पे 35 से 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या हुई है जिसकी हम आज आपको खबर बता रहे हैं इस हत्या के मामले को लेकर कोई बता रहा है मुमरा का रहवासी है हो सकता है तो कोई बता रहा है मुमरा का नहीं है बाहर का हो सकता है फिलहाल घटना बीती रात की बताई जा रही है लेकिन पुलिस को हत्या की खबर की जानकारी सुबह 9 से 10 बजे के आसपास मिली जिसके बाद मौके वारदात पर एसीपी व मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर क्राइम ब्रांच की टीम फॉरेंसिक जांच की टीम सभी लोग अपने अपने स्तर से इस जांच में जुटे हुए हैं ये वही नाला है जिस पे बताया जा रहा है इसी जगह पर व्यक्ति के गले पर वार किया गया जिसके बाद नाले के नीचे मृतक गिर गया और उसकी मौत हो गई हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं आप देखिए ये वही जगह है जहां पर 35 से 40 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर का कहना है इस हत्या के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी उन्होंने ये भी कहा है इन्वेस्टिगेशन की टीम अपना काम अलग अलग अपने स्तर से कर रही है जल्द ही मामले की खुलासा हो सकता है फिलहाल शव को पंचनामे के लिए कलवा के शिवाजी हॉस्पिटल में भेज दिया गया है अब सवाल तो वही है आखिर कौन लोग हैं इस व्यक्ति की बड़ी बेदर्दी से बेरहमी से हत्या कर दी इसके पीछे क्या राज छुपा है ये तो पुलिस जांच में ही पता चलेगी फिलहाल पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर जांच में जुटी है और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स